एड्रेस डिकोडिंग एंड रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, जब हम मेमोरी से अपने डाटा को रीड करते हैं और उसके लिए सबसे पहले एड्रेस को डिकोड करना ज़रूरी होता है, इसमें हम मेमोरी के साथ जो हमारा डिकोडर है वो कंबाइन होगा। तो ये हम 3x8 डिकोडर ले रहे हैं जिसमें टोटल 4 एड्रेस बसेस होती हैं, A15 और A12, 13 और 14, यानी कि ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एड्रेस बसेस हैं जो कि 0 रहती हैं। जब ये 0 होती है तो हमारा डिकोडर अनेबल हो जाता है। और E1 जो हमारा A15 के साथ कंबाइन है जो कि 0 होता है, E2 हमारा ग्राउंड होता है और अनेबल 3 पे हमारा +5 volt की सप्लाई देते हैं। E1 E2 लो होते हैं और O0 आउटपुट से हम अपनी आउटपुट कैरी करते हैं। ये हमारा डिकोडर होता है। जब हमारी सारी एड्रेस लाइन 0 हो जाती हैं तो ये हमारे मेमोरी की चिप को अनेबल करता है, यानी कि इसमें हमने जो हमारी मेमोरी है 2732 EP ROM है, जो 4096 रजिस्टर मेमोरी है जिसकी, ये हमारी जो इस जो मेमोरी है रजिस्टर है इसकी चिप को अनेबल करता है, यानी हमारी मेमोरी को अनेबल करता है। और इसमें भी एक इंटरनल डिकोडर लगा होता है जो कि हमारी A0 से A11 एड्रेस बसेस के साथ कंबाइन होता है। जब ये सारी 0 होती हैं तो हमारी मेमोरी की चिप अनेबल हो जाती है और जो हमारी ये वाली सारी एड्रेस बसेस होती हैं ये सारी 1 होती हैं। जब ये वाली जो 0 से 11 जो कि 12 एड्रेस बसेस हैं ये 1 होती हैं और 12 से 15 ये 0 होती हैं। और ये इसका इंटरनल डिकोडर होता है जो कि हमारे एड्रेस को शो करता है, उसमें से डाटा को उस एड्रेस पे डाटा को फेच करता है। और ये जो हमारी काउंटिंग होती है, जो हमारी डिकोड करता है, हमारा 3x8 डिकोडर जो हमारे एड्रेसेस को डिकोड करता है, वो उसको हम 000 से 0FFF तक शो करते हैं। और ये हमारी एड्रेस शो किए गए हैं, यानी कि जो A0 से A11 के सारे एड्रेसेस शो किए गए हैं। इसमें ये हमारे आउटपुट बफर के साथ कंबाइन होता है जिसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी और रीड मेमोरी हमारे NAND गेट के साथ कंबाइन होती है। मेमोरी इनपुट आउटपुट मेमोरी लो होती है और रीड लो होती है। इस टाइम पे हमारी मेमोरी रीड फंक्शन परफॉर्म होता है और OE जो हमारा आउटपुट है उसे अनेबल करता है और आउटपुट बफर हमारा इस टाइम पे वर्क करता है। और उस टाइम पे जो हमारा एड्रेस से डाटा फेच हुआ है वो आउटपुट बफर के थ्रू हमारा डाटा बसेस पे सेंड होता है, आउटपुट बफर से वो डाटा बसेस पे सेंड होता है। और हमारा इस तरह से डाटा एड्रेस से डाटा को फेच करती हैं हमारी 2732 EP ROM, यानी कि जिसमें हमने 4096 रजिस्टर्स का यूज़ किया है, इसमें से हमने डाटा को फेच करके और आउटपुट बफर के थ्रू हम अपने डाटा को ले लेते हैं। जो जैसे कि हमने कहा था कि हम इसमें एड्रेस के बारे में देखते हैं कि जो 0 से लेकर एड्रेस 15 तक एड्रेसेस होते हैं टोटल, जिसमें हमारा जो 12 से 15 एड्रेस बसेस होती हैं वो 0 होती हैं, जो कि हमारी मेमोरी की चिप को अनेबल करने का काम करती हैं। ये सारी 0 होते हैं जो हमने पहले कर चुके हैं। और जो दूसरी एड्रेस बसेस होती हैं A0 से A11 जो टोटल 12 एड्रेस बसेस बचती हैं वो सारी 1 होती हैं और ये हमारे रजिस्टर को सिलेक्ट करती है और उसमें से डाटा को फेच करती हैं। ये है हमारा एड्रेस डिकोडिंग एंड रीडिंग फ्रॉम मेमोरी।